15 अगस्त 2014 को बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दो बड़ी फिल्में अक्षय कुमार की कबर और अजय देवगन की सिंघम 2 रिलीज होने वाली है। और अब सुनने में आया है कि एकता कपूर ने भी इसी डेट पर अपनी अनटाइटल्ड इमरान करीना स्टारर फिल्म रिलीज करने का फैसला किया है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा स्टार इस बिग बॉक्स ऑफिस कैश को अवॉइड करने के लिए अपनी फिल्म डिले करता है। खबरों की माने तो सलमान खान ने एक्टर रामचरण तेजा को अपनी होम प्रोडक्शन में बनने वाली एक फिल्म में रोल ऑफर किया है। सोर्सेज की माने तो सलमान ने रिसेंटली रामचरण तेजा को अपने घर बुलाया और एक कैजुअल चैट के दौरान उन्हें ये फिल्म ऑफर कर दी। हम आपको बता दें कि सलमान खान पहले भी रामचरण तेजा की एक्टिंग स्किल्स की तारीफ कर चुके हैं। एक्टर ऋतिक रोशन की इंजरी की वजह से उनकी अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट चेंज हो सकती है। सुनने में आया है कि धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली ऋतिक की नेक्स्ट फिल्म जो दिवाली 2014 पर रिलीज होने वाली थी, अब ये फिल्म 2015 में रिलीज हो गई। इससे पहले भी ऋतिक रोशन की एक फिल्म बैंग बैंग की रिलीज डेट चेंज हो चुकी है। फिल्म बॉम्बे वेलवेट में अनुष्का शर्मा डबल रोल प्ले करती हुई नजर आएंगे। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो इस फिल्म में जैज सिंगर का रोल प्ले कर रही अनुष्का के कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर अनुराग काश्यप ने फिल्म में उनका डबल रोल रखा है। वैसे अब तक अनुष्का के इस डबल रोल अवतार को लेकर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है और फिल्म बॉम्बे वेलवेट के फर्स्ट स्केड्यूल की शूटिंग इस वक्त श्रीलंका में चल रही है। एक्टर ऋतिक रोशन अपने डैड राकेश रोशन के लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और ऋतिक ने इस ग्रैंड पार्टी की इनविटेशन अपने सारे बॉलीवुड फ्रेंड्स को भेजी है और इस इनविटेशन की कॉपी जूम के पास भी है।